नमस्ते, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दही और आलू का रायता बनाना सीखेंगे। जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो उसके लिए हम ये आलू और दही का रायता बनाएंगे। इस जिस व्रत में आप सेंधा नमक खाते हो, उस व्रत में आप इस तरह से आलू का रायता बनाकर खा सकते हो। तो इसके लिए मैंने ये देखिए दही लिया है और ये कुछ मसाले लिए हैं। जीरा तड़के के लिए, भुना हुआ ये धनिया पाउडर, इसको मैंने भून लिया था थोड़ा सा, और ये सेंधा नमक, और ये दो हरी मिर्च। हम लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं करेंगे। इस तरह से मैं तो सिर्फ हरी मिर्च का ही यूज करती हूँ व्रत में। तो इस तरह से मैंने हरी मिर्च को काट लिया है बारीक बारीक पीस में, आप देख सकते हो छोटे छोटे। और ये देखिए मैंने करी पत्ता लिया है, 3 से 4 करी पत्ता लिया है। और अब इस तरह से हम पहले आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि अब नवरात्रे चल रहे हैं और व्रत में इस रायते को आप खा सकते हो। तो इस तरह से मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। हमें व्रत में ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए, सिर्फ सिंपल सा ही खाना खाना चाहिए। तो ये इस तरह से आप सिंपल सा इस तरह से रायता बना सकते हो दही और आलू का, ये नुकसान भी नहीं देता है। तो इस तरह से अब हम आलू को इस तरह से दही में डाल लेंगे। और अच्छे से मिलाएंगे, ऐसे देखिए मिक्स कर लेंगे आलू और दही को। अब हम इसमें ये हरी मिर्च डालेंगे। सेंधा नमक डालेंगे और ये धनिया पाउडर, और इन तीनों चीज़ों को डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। और करी पत्ता और जो जीरा है उसको हम भून कर डालेंगे। बिल्कुल भी हमें घी का यूज नहीं करना है। जीरे को और हम करी पत्ते को तवे पर भूनेंगे। इस तरह से करी पत्ते को मैं छोटे छोटे पीस में करके डाल लूँगी और एक चुटकी हींग डालना है। और फिर इस तरह से अच्छे से भून लेंगे, और भूनने के बाद इस तरह से इसको हम दर दरा सा कर लेंगे, थोड़ा इस तरह से पीस लेंगे और गैस को कर देंगे बंद। अब इस तरह से करने के बाद हम इसको रायते में डाल देंगे और फिर अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे रायते को। तो इस तरह से हमारा ये रायता बनकर बिल्कुल तैयार है, व्रत वाला रायता। तो आप इस तरह से बनाकर खा सकते हो व्रत में, बहुत ही अच्छा होता है ये रायता। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू, बाय।